मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हर पशुपालक की एक समस्या होती है कि उसने जो बकरियां पाली हैं, जो बकरी पालन वो कर रहा है, उसमें मृत्यु दर कम से कम हो, क्योंकि अगर मृत्यु दर नहीं होगी तो उसका जो गोट प्रोडक्शन है, जो बकरियों की संख्या है वो बढ़ेगी, जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे और जो बकरी हैं वो दूध देने लायक, और बकरे मीट के लिए बिकेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम एहतियात बरतते हैं तो इस मृत्यु दर को कम भी कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, ये प्राकृतिक है, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के सीनियर साइंटिस्ट। सर, आप बताइए कि कैसे ये जो बीमारियाँ हैं बकरियों में, इनको कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं? बकरियों की बीमारी की रोकने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय जो होता है, हम लोग जो कहते हैं वैक्सीनेशन है। यदि हम जो भी फार्म होते हैं वहाँ भी वैक्सीनेशन फॉलो होता है, आपको जो ट्रीटमेंट इलाज की जो पैसे है वो बच जाता है, क्योंकि हमने कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये जो कहते हैं हमने। जो इसके अलावा जो रोगों को हमने रोकने के लिए, बचाने के लिए, हम लोग सबसे बड़ा है कि तो साफ़ सुथरा की बाड़ों को रखना और जानवरों को बार बार उसको इंस्पेक्ट करना, जो उसमें जो बीमारी हो रही है, यानी जो जानवरों में बीमारी होती है उसको हमने अलग करके रखते हैं ताकि दूसरे जानवर में वो संक्रामक रोग फैलाए ना। तो जो जानवर को हमने अलग किए उसको अलग से केयर करते हैं, उसको इलाज करते हैं, और उससे जो क्या होता है दूसरे जानवर में जो फैलने के जो मौका को हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, ये है हमने करने का तरीका। डॉक्टर साहब, जो कुछ सामान्य बीमारियाँ जो अक्सर देखी जाती हैं बकरियों में, वो कौन कौन सी है, उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? जी मैं बता दूँ, बकरी में सबसे बड़ी बीमारी जो होती है PPR कहते हैं, PPR को, यानी उसको कहते हैं बकरी प्लेग। बकरी प्लेग सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली विषाणु जनित बीमारी, इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, फिर भी हर बार जनवरी फरवरी मार्च इस समय पे हर बार जो इसका जो प्रकोप हो जाती है, हमने इसके लिए वैक्सीनेशन करते रहते हैं, इसके बावजूद भी हमको बहुत सारे केसेस इसका मिलता रहता है। इसके रोकथाम के लिए एक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे UP में इस बीमारी तेज़ी से फैल रही है, हर ज़िले के बॉर्डर में इसका वैक्सीनेशन लगती है ताकि दूसरे ज़िले में ये लोग बिल्कुल रोकने के लिए बिल्कुल हमको चांस मिलता है। दूसरा, जो भी होते हैं हमने फार्मर्स को बार बार हमने जागृत करते हैं कि टीकाकरण बार बार हर साल जो इसका करें PPR, इसके पूरे देश भर की वैक्सीनेशन का NLM के अंतर्गत पूरा हमारे जो भारत जो सरकार ने जो कर रही है वो वैक्सीन PPR की वैक्सीन है, वो PPR की वैक्सीन बार बार करें, और जितने भी जानवरों में इस तरीके के जो लक्षण आपको मिलती है उन जानवरों को अलग करके उसको अलग से इलाज करें ताकि दूसरा जानवर भी बच जाएगा। इसका PPR का जो लक्षण होता है, इसमें आपको दस्त होती है और साथ साथ इसका निमोनिया होती है, नाक बहती रहती है और तेज़ बुखार होती है, ये उसका पहचान है। इसमें क्या बकरी की मौत हो जाती है इसमें, खास करके जो बच्चे होते हैं, मेमनों होती है, मेमनों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर पाई जाती है, करीब 80% तक इसका मृत्यु दर पाई जाती है। बड़ों में मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन बड़ों से बच्चों में फैलती है, और बड़ों में आपको बहुत सारा जो लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे आपका दस्त और आपका निमोनिया और नाक बहना और तेज़ बुखार, ये तीनों होती है। इसके अलावा बकरी में एक और बीमारी भी है जो FMD जो कहते हैं, खुरपका मुंहपका रोग है, जो आपको बड़ी जो भैंस और गाय में मिलती है वो आपको देखने के लिए आपको इसमें भी मिलती है, बकरी बेड में भी मिलती है, लेकिन बकरी बेड में इसके वैक्सीनेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, टीकाकरण, और इसमें आपको जो गाय और भैंस में जो लक्षण मिलती है वो लक्षण आपको कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें तेज़ बुखार होती है। और तीसरे एक और बीमारी होती है बकरी में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, उसको कह रहे हैं बकरी चेचक, यानी जो गोट पॉक्स जो कहते हैं, ये गोट पॉक्स बिल्कुल आपको चेचक मिलेगी चमड़े में, और इससे आपको तेज़ बुखार होगा और निमोनिया होगा, इसमें आपको दस्त बिल्कुल नहीं होगा। ये बकरियों में बहुत तेज़ी से फैलती है, इसके लिए भी एक टीकाकरण उपलब्ध है जो उसके गोट पॉक्स लाइव वैक्सीन जो कहते हैं, और गोट को हर साल दिया जाता है बूस्टर के साथ, इससे बिल्कुल हम उसको रोक सकते हैं। तो क्या जो आपने गोट पॉक्स और गोट प्लेग के बारे में बताया, वैक्सीनेशन के अलावा कुछ और भी ऐसे उपाय हैं कि अगर जो पशुपालक अपने बाड़े में करता है तो इससे बच सकता है? जी, जैसे इस तरीके का जो बीमारियां होते हैं इसमें आपको ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कॉम्प्लिकेट किया जाता है करता है उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली यूज्ड है, जो एंडोफ्लॉक्सिसिन है, सेफ्ट्रायोक्सोन, इस तरीके के एंटीबायोटिक्स, साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कहते हैं, जो उसको बुखार को कम करने वाली और दर्द को कम करने वाली बहुत सारी दवाएँ हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसका जो रोग में जो ज़्यादा जो तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से वैक्सीनेशन से और कुछ छोटे छोटे उपाय अपने बाड़े में, यानी वो शेड जहां आपने बकरियों को रखा है वहां आप अगर करते हैं तो बकरियों की मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और बकरी पालन से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह के और जानकारी पर वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी,
खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।